अवैध अतिक्रमण पर सख्त एक्शन लेने वाली सरकार के कार्यकाल में भी चंदौली महकमा लाचार दिखा। पिछले 4 वर्षों से पीड़ित अधिकारियों के दर पर चक्कर लगा रहा है। 100 से ज़्यादा प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी अवैध अतिक्रमण मुक्त नहीं हो सका। विकलांग पति के साथ पत्नी काट रही चंदौली के अफसरों के दरबार में चक्कर। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। विकित कुमार सिंह, रामपुर कलां, चकियां चंदौली। मैं पेशे से बेसिक शिक्षा परिषद में प्रधानाध्यापक पिपरिया चकियां ब्लॉक में। एसपी कार्यालय है तो क्या है पूरा मामला? एसपी कार्यालय मेरा, मेरे पैतृक भूमि पर और सरकारी नाली पर 4 वर्षों से लगातार अतिक्रमण है। मैं अनेकों बार तहसील दिवस और थाना दिवस देने के बाद ये अतिक्रमण खाली नहीं, मैंने 12 बार योगी के जनता दरबार लगाए, जबकि 4 बार व्यक्तिगत मैं योगी जी महाराज के साथ प्रार्थना पद के हाथों प्रार्थना पद दिया, फिर भी अतिक्रमण खाली नहीं। मैं 9 मार्च को विगत गोरखपुर ही महाराज जी के हाथ प्रार्थना पद दिया। महाराज जी ने बोला एसपी और डीएम साहब से मुलाकात कर लीजिएगा। अभी मैं एसपी साहब कार्यालय आया हूँ, अभी मैं डीएम साहब कार्यालय जा रहा हूँ। सर, क्या है मुद्दा? मेन मुद्दा मेरा यह है सर कि मेरे पैतृक भूमि पर दबंगों द्वारा अतिक्रमण है, जिनके ऊपर 307 सर गांव के सर सज्जन अशोक रमेश सर, ये लोग दबंग हैं और दिन रात धमकी दी जाती है, और मेरे खरिहार में भी आग लगा दी गई सर, उसको भी पुलिस पकड़ने में नाकाम आम रही सर। मेरे तो क्या स्थानीय पुलिस आपकी मदद कर रही थी? कुछ हमको अगर स्थानीय प्रशासन मदद करता तो मुझे गोरखपुर या लखनऊ दौड़ दौड़ बार जाना नहीं पड़ता। क्या बात है? आज एसपी साहब से मुलाकात नहीं हुई, एडिशनल एसपी नक्सल थे तो बोले कि ठीक है हम लिख देते हैं, लेकिन हमको आश्वासन ही केवल मिलता सर, काम नहीं होता सर। काम होता तो मैं 4 साल से मैं दौड़ता नहीं सर। पूरा परिचय बताएं। मेरा नाम स्नेहा पटेल है। एसपी कार्यालय क्या है पूरा मामला? सर ऐसा है कि हम लोग का 4 साल से, मतलब बहुत सालों से अतिक्रमण है हम लोग के जमीन पे, लेकिन 4 सालों से हम लोग उसको मुक्त कराने के लिए प्रयासरत हैं। 4 साल में आप कहाँ कहाँ गई? 4 सालों में हम लोग एसपी ऑफिस, डीएम ऑफिस, तहसील दिवस, योगी जी के यहाँ, हर जगह 10 बार 12 बार योगी जी के यहाँ, अब कहाँ जाएं? आज यहाँ क्या बात हुई है? आज यहाँ जैसे हर बार आश्वासन मिलता है कि हो जाएगा काम, हमारा पुआल बहुत जला और हमें लिख दिया जाता है कि 10 बोझा जला, तो यहाँ तो हमारी हानि है। और वो जो अतिक्रमण करता है वो बहुत ही दबंग प्रवृत्ति के हैं, और वो हमें हमेशा हमारे पति को मारने की धमकी देते हैं। हमारा 5 साल का बेटा है, वो घर से बाहर हम उसे नहीं निकाल पाते खेलने के लिए, क्योंकि हम डरते हैं कि वो कहीं बाहर जाए, वो हमारा इकलौता पुत्र है, उसे कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे।